ये है जी मेरे पास दही। दही ज़बरदस्त किस्म का एक मास्क है जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है बल्कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो पुराने ज़माने में तो खैर लोग जो ख़वातीन थी वो असली घी के साथ सर का मसाज करती थी, तो कहती है कि और देसी साबुन के साथ जो है वो बाल धोना। अब बालों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है कि हम इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। हमने करना क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। मेकअप रूम में जो मेरे दो मेहमान बैठे हैं ना, वो मुझे बुरा भला कह रहे होंगे कि देखो फ्री सारी जो बातें समझाई हैं इसने सब उल्टा कर गया जाके। इसने हमने लिया है दही तकरीबन एक टेबल स्पून। ये मैं बना रही हूँ चेहरे के लिए एक फेस पैक, और इसमें हम डालेंगे बेसन तकरीबन एक टेबल स्पून ही है। पेस्ट बनाना है इसका हमने, ये मैं सारा का सारा डाल रही हूँ। ठीक है जी, ये बन रहा है पेस्ट। अच्छा, अगर दही कुछ देर के लिए हम छोड़ दें तो वो बड़ा अच्छा उसमें से पानी सा निकल आता है जो कि कच्ची लस्सी तो खैर हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन कच्ची लस्सी से भी पहले वक्तों में सर धोए जाते थे। फिर है जी हल्दी। हल्दी जो है ये एंटीसेप्टिक है, ख़ासतौर पर अगर आपके चेहरे पर दाने हैं और डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया हुआ तो उनसे पहले पूछ के फिर ये आप इसका फेस पैक चेहरे पर आप लगा सकती हैं या लगा सकते हैं, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये डाला जी हमने इसके अंदर ऐसे एक चुटकी, और इसको हम यूं करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। अगर आपको लगे कि पेस्ट थोड़ा थिक है जैसे कि ये, तो पतला कर सकते हैं दही मिला के, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं या कर सकते हैं। ये जो कुछ चीज़ें जो है ना ये हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि अलकी गुलाब है, इसके अलावा कैस्टर ऑयल है, जैतून का तेल है या बादाम का तेल है। जैसे कि मैं जब हमारी बड़ी थिक मेकअप होता है तो जब मैंने इसको धोना हो तो मैं फिर साफ़ करना हो तो मैं वाइप्स के साथ बादाम का तेल जो है ना वो यूज़ करती हूँ, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो स्किन मेरी क्लीन हो जाती है। ये जी हमारा फेस पैक बन गया है, मैं इसको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। ये हम लगाएंगे ऐसा करके, ठीक है जी, और इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाए तो आपने ठंडे पानी के साथ इसका मसाज करना है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पिगमेंटेशन भी किसी हद तक कम करते, लेकिन कुछ ऐसे छाइयाँ होती हैं जो कि बड़ी ढीठ किस्म की हैं, आपको उसके लिए प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। मे बी आयरन की कमी हो और विटामिन डी कमी हो, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप साल में दो दफ़ा एटलीस्ट टेस्ट करवा लें ताकि कोई कमी अगर हो तो फिर इसको हम ठीक कर सकें, ठीक है। और खुदा ना खास्ता आप में कोई मेडिकल इशू है, आपको लगता है कि इसके लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ मेरी बातों में बिल्कुल भी ना आएँ। जान है तो जहान है, पहले आप डॉक्टर को दिखाएं अपनी स्किन जो है, और उसके बाद फिर आपने जो है ना ये तमाम टोटके करने हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही हूँ एक और टोटका, अगर आपके आप ड्राइव करती हैं या आपका सूरज से इंटरेक्शन ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है डॉट इंटरेक्शन, तो ये है जी एक स्क्रब। इसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, थोड़ी सी कॉफ़ी इसमें डाल के लेकर तकरीबन हाफ टी स्पून, और हम इसमें डालेंगे चीनी, ठीक है जी, कॉफ़ी और चीनी, और ये दानेदार है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल, ये हमने जो मैं फ़िलहाल नहीं ला सकी लेकिन आपको बता दूं मैं, तो इसका एक लिक्विडी सा पेस्ट बन जाएगा। कोशिश ये करनी है कि कॉफ़ी भी और चीनी भी दानेदार हो, पाउडर फॉर्म में आपने नहीं लेनी है, ठीक है। और इसको आपने फिर थोड़ी सी निकाल के दिखा देती हूँ, ऐसे करके रब करना है हाथों को यूँ। ऑयल शामिल होगा तो इसके जो ग्रैनुअल्स हैं वो गिरेंगे नहीं बल्कि आपके हाथ पे या चेहरे पे लगे रहेंगे। अगर आप चेहरे पे मसाज कर रही हैं तो नेक को आपने नहीं भूलना है, नेक पर भी आपने वैसे ही मसाज करना है।